आज की इस एक वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी का प्लांट विंटर में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, तो फरवरी में भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। तो माली ने मुझे जो जो बताया तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको जो माली ने जो जो बात मुझे बताई है और जिस तरीके से आपको लगाना है वो तो आप देखिएगा। तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट आप जब भी लगाएं कम से कम 12 इंच के पॉट में ज़रूर लगाएं, उसमें काफ़ी अच्छा ये चलता है और खूब सारी फ्रूटिंग आती है। देखिए मेरा दो प्लांट था, इस वाले में फ्लावरिंग भी आ गई है और ये वाले में अभी नहीं आई है। आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप में रखेंगे तो वही इसके लिए काफ़ी होता है, ये देखिए। और वाटरिंग की तो वही, जब ऊपर से आपको मिट्टी लगे कि ड्राई हो गई है तभी दें। और ये देखिए ये पॉट तो वही है 12 इंच का, तो आप इसी तरीके से लगाइए। और माली ने जो जो बात बताई है मुझे वही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। आगे माली से भी मैं आपको मिलाऊँगा। ये देखिए ये वाला प्लांट मेरा भी पॉलीबैग में ही है, तो इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने वाली है जल्द ही। इसी तरीके से वो वाले में भी हो गई है और काफ़ी अच्छा मेरा प्लांट हो हेल्दी है। और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग आ जाए तो आप उसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं, उससे कि आपके प्लांट में जो फ्लावर और फ्रूट आएगा उसमें फंगस नहीं लगेगा। फंगस की प्रॉब्लम इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उससे बचाने के लिए आप कोई फंगिसाइड का स्प्रे किया करें बराबर, तो आपका प्लांट सही रहेगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा। ये देखिए इतना हेल्दी प्लांट है मेरा। और ये देखिए इसमें मल्चिंग, ये इस तरीके से आप कोई भी नारियल का वो ले लें या तो फिर आप इसी तरीके से कोई सूखी हुई घास उस ले लें, पत्ती ले लें, उसी से आप पूरे अपने गमले में कर दें, काफ़ी अच्छे से देखिए हो जाएगा। अब समर में भी आपका प्लांट रहेगा, ये डेड नहीं होगा, और इसे आप इसे शेड में रख देंगे तो काफ़ी अच्छा वो भी ग्रोथ करेगा फिर से। और जब दोबारा विंटर आएगा तो फ्लावरिंग कैसे लगाऊं अपनी मिट्टी में अपने घर पे, तो वही आप ये मुझे इस वीडियो में बताएंगे। और आप देखिए और आप भी इसी तरीके से लगाइए। तो आप कैसे इसको लगाना है, इसको मिट्टी में फार के, हाँ इसकी जो फार के और जितना मिट्टी है उतना ही लगाना है। अच्छा, और गोबर खाद और डाई से मिक्स करके लगा देना। अच्छा, और कोई खास खाद नहीं डालना है? जैविक खाद डाल सकते हैं। जैविक खाद। और इसको कैसे क्लाइमेट में रखें कि जहाँ अच्छे से चलेगा, जैसे धूप में रखें कि छांव में रखें? और धूप में रखें। धूप में रखें फुल। और कितने बड़े पॉट में लगाना है इसको, सही रहता है जैसे 12 इंच गमला में लगा दीजिए पॉट में? 12 इंच। कब तक ये रहता है, अगर अभी लगाएं तो कब तक फलेगा ये? एक आध महीने बाद फलने लगेगा। एक महीने बाद? और जब फल आने लगता है तब भी कोई खाद दी जाती है? हाँ दी जाती है, जैविक खाद दी जाती है, सरल गोबर खाद दे दीजिए। अच्छा, और कोई दूसरी खाद नहीं? और कोई दूसरी खाद नहीं, वही इसके लिए काफ़ी है जो गोबर गोबर की खाद आती है।